हरे कृष्ण राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक दो दिन की बात की वीडियो थी। वहाँ पर मम्मी को छोड़ आए थे बस अड्डे पर, और मम्मी चली गई थी जलंधर, जैसे कि मम्मी की सिस्टर रहती है वहाँ पे। तो बस मम्मी अपनी बहन के पास चली गई थी जलंधर, और हम जा रहे थे घूमने के लिए। और ये देखिए, आपको नेल्स दिखा रही थी। यहाँ पर मैंने नेल्स लगवाए थे, ये परमानेंट वाले नहीं है, सिर्फ एक महीने के लिए ही है, और देखते हैं कब तक चलती हैं। फिलहाल मैंने दोनों हाथों पे लगवा लिए थे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई भी इतना काम वाम नहीं करना पड़ता, तो मुझे नहीं लगा था कि ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे गंदे वंदे हो जाएंगे या फिर काम में ख़राब होंगे। तो इसीलिए बस मैंने नेल्स लगवा लिए थे, और जब तक चलेंगे चला लूँगी। बाकी है कि घर पर जाऊँगी तो वहाँ पर तो उतारने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसीलिए। और यहाँ पर हम आए थे आज गुरुद्वारे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं, तो एक पास में था काफ़ी, तो दीदी वहाँ पर लेकर आई थी घुमाने के लिए। और चलिए दर्शन करवा लेते हैं। यहाँ पर सबकी चप्पलें वगैरह उतार कर जमा करवाते हैं, तो बस वही चप्पलें वगैरह जूते वगैरह जो भी थे सबके जमा करवा दिए हैं, और टोकन ले लिया है। टोकन मिल जाते हैं यहाँ पर, नंबर के हिसाब से ही रहते हैं सबके, एक जगह पर हो जाते हैं। और बस अपने चप्पलें जूते अपने जमा करवा दिए, इसके बाद हम चल रहे हैं सीधा अंदर और हाथ वाथ धोएंगे। यहाँ पर हाथ धोने का भी बना हुआ है, पैर भी, सब कुछ, मतलब कि पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा गया अच्छे से, क्योंकि जूते चप्पल उतारने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पर सब अपने अपने हाथ धोएंगे, और मैं भी अपना हाथ धो लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पर साबुन भी रखा हुआ था, देखी दीदी ने ठंडे पानी की छींटे मारी थी कि जल्दी जल्दी हाथ धो लो सभी। तो बस यहाँ पर मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था दीदी को, और हाथ धो रही थी, फटाफट से हाथ धो लेती हूँ। चलिए फिर चलते हैं। अभी यहाँ पर सर्दी भी देखिए कितनी ज़्यादा हो रखी है, क्योंकि गाड़ी में बैठते हैं तो इतनी सर्दी नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी से बाहर आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर जब से आई हूँ लुधियाना में कैब वैब पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, और कुछ मुझे तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। फीवर वगैरह सा लग रहा था थोड़ा सा, जैसे कि फीवर हो रखा है, नज़ला जुकाम खांसी भी हो गई थी मुझे घर में आने तक तो। और यहाँ पर हम जा रहे हैं बस अब अंदर, आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाँव धोने का भी बना हुआ है, तो यहाँ पर इसमें देखिए पैर रखो, और अच्छे से पैर भी धुल जाते हैं, साफ़ हो जाएंगे। इसके बाद बस हम सीधा अंदर चलते हैं। और गुरुद्वारे बहुत ही अच्छे से सजाया गया था, क्योंकि एक दो दिन बाद गुरु पूर्णिमा थी, गुरपुरब थी सॉरी, और गुरपुरब की वजह से ही पूरा गुरुद्वारा बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। देखिए फूलों से, हर तरफ फूलों की मालाएं लगी हुई हैं, और इतना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चलिए फिर मैं आपको पूरा अच्छे से अंदर से भी दिखा देती हूँ किस तरह से सजा हुआ है। और सजा हुआ है गुरपुरब से पहले ना सभी गुरुद्वारों को इसी तरह से सजा दिया जाता है, तो जितने भी मतलब लुधियाना में गुरुद्वारे थे सभी को इस तरह से ही सजा रखा था। बहुत ही अच्छे अच्छे गुरुद्वारे सजे हुए थे, क्योंकि एक दो दिन बाद ही गुरपुरब थी इसीलिए। और चलिए फिर मैं आपको पूरा वीडियो दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने वीडियो शूट किया, क्या क्या मैंने शूट कर सकी, जितना मैं कर सकी आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी उसके लिए सॉरी, और तबीयत की वजह से ही थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ भी या नहीं, वरना मेरा मन था बस अभी मैं यहाँ पर जितने दिन भी हूँ, दो चार दिन, उतने दिन मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। तो चलिए फिर वीडियो को एंजॉय कीजिएगा आप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बस गुरुद्वारे में बैठ चुके हैं, अब दर्शन कर लिए हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर बैठ जाओ ध्यान लगाओ तो अच्छा लगता है, बस बैठे रहे थे काफ़ी देर तक, बैठ गए थे कम से कम 5-10 मिनट तक, ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे क्योंकि लेट हो जाता, फिर वापस भी जाना था और मार्केट भी जाना था। तो बस यहाँ पर देखिए बैठ कर, उसके बाद यहाँ पर आए थे सरोवर देखने, सरोवर के पास भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए है, तो यहाँ पर भी हम अपना वगैरह टेक के दर्शन करके उसके बाद सरोवर में भी हम गए थे, और पानी वानी का छींटा वगैरह लगाया था। आर्या ने मेरी वीडियो बनाई थी शायद, वो पता नहीं किस फ़ोन में बनी थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास दीदी का फ़ोन था, मेरा था, और छोटी वाली जो मेरी बीच वाली सिस्टर है उनका फ़ोन था, तो पता ही नहीं चला किस फ़ोन में थी वो क्लिप, शायद ऐड नहीं हो पाई है। और यहाँ पर देखिए सरोवर के दर्शन किए, उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमने लंगर वगैरह खाया था, उसमें था कड़ी चावल वगैरह थे और लस्सी थी। तो बस खाना वाना खा के, बर्तन काफ़ी सारे थे वहाँ पर, सारे बर्तन वर्तन साफ़ करके उसके बाद आ गए थे हम मार्केट। बिल्कुल गुरुद्वारे से बाहर निकलते ही मार्केट लगी होती है ना जो, तो उसमें हमने कुछ सामान एक दो लेने थे, वही लेने के लिए आए थे बाहर। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए रखे हुए थे तवे वगैरह, ये बर्तन वगैरह रखे थे जिसमें
मेहंदी वगैरह घोलने के होते हैं ना, इस तरह के रखे हुए थे। तो इनमें से कुछ भी ज़रूरत का नहीं था, मुझे लेना नहीं था, इसलिए हम आगे चल पे देख रहे थे कुछ। और यहाँ पर थे स्टील के बर्तन, डब्बे वगैरह जो कि घर के यूज़फुल के आइटम होते हैं, सभी उस तरह के थे। तो दीदी चक्कू दिखा रही थी कि देखो किस तरह का है, और बस वही देख रहे थे। और एक तो सामान दी ने लिए थे यहाँ से, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि इतनी दूर से बर्तन लेकर जाना बहुत मुश्किल सा लगता है। तो बस दी ने मतलब चाय छन्नी वगैरह, चकला बेलन, इस तरह का कुछ एक तो आइटम ले लिया था। और यहाँ पर आपको फ्लावर्स वगैरह दिखा रही थी कि सभी सामान यहाँ पर सभी एक से एक बढ़कर एक था। कांच के गिलास लेने का मेरा बहुत मन था कि ले लूँ, लेकिन थोड़ा सा ले जाने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत दूर का सफ़र है। लुधियाना से सहारनपुर लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, रास्ते में एक भी गिलास टूट गया तो पूरा सेट ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने कांच का कोई भी बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। सिर्फ आर्यन ने जीत करी थी तो उसको मैंने एक दो कड़े दिलवाए थे क्योंकि उसको कड़े लेने थे, और बस उसने अपने और अपने भाई के लिए कड़ा ले लिया था। तो बस उसके बाद हम चल पड़े थे सीधा। पर देखिए फ्रेंड्स, सारे सामान वगैरह बर्तन वगैरह सब ले लिए हैं, जो भी कुछ लेना था मार्केट से। इसके बाद यहाँ पर रोड पर लगी हुई थी स्टोर, और यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह मिलता है तो बहुत ही अच्छा मिलता है, दी बता रही थी क्योंकि दी यहाँ आती जाती रहती है। तो बस यहाँ से फास्ट फूड सबने बोला खाने के लिए, तो जो कुछ भी किसको चाहिए था वो ले लिया है। पर मोमो स्प्रिंग रोल वगैरह मिल रहे थे, सबसे पहले आ गई है ये देखिए मोमोज की प्लेट। तो पहले लिए थे एक प्लेट मोमोज, सभी ने इसमें से ही खा लिया था एक एक दो दो, इतना किसी को भूख वगैरह भी नहीं थी ना इतना किसी ने खाना। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मोमोज ले लिए थे, उसके बाद ली थी एक दो प्लेट स्प्रिंग रोल की, और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी टेस्टी बनी हुई थी। कोई वो नहीं था कि ख़राब था या कुछ भी नहीं, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा था, और दोनों ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्प्रिंग रोल टेस्टी लग रहे थे। और बस यहाँ से अपना खाना वाना खाकर उसके बाद हम सीधा जाएंगे घर पर, क्योंकि मुझे बनानी है चूरी। दी कब से बोल रही थी कि बिनिया बना दो, तो बस वही सब बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए सारा मैंने मखाने वगैरह सब ड्राई फ्रूट को अच्छे से घी में, देसी घी में भून लिया था, और आटा चूरी की तरह भूनकर, और साथ में उसमें बेसन सूजी वगैरह डालकर सब कुछ भूनकर इसमें डाल दिया गोले की चाशनी, और लड्डू बन गए हैं यहाँ पर मेरे अच्छे अच्छे से पेड़े से। और इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।